चिल्ड्रेन होप ऑल ऑफ एस आर डूंग गुड न टॉपिक दैट वी विल स्टडी टूडे इज नाउन्स थिंक थिंक एंड अंडरलाइन द नेम्स ऑफ पीपल प्लेस एंड थिंग्स इन द पैराग्राफ गिवन बिलो तो ये जो आपको पैराग्राफ दिया है इसे आप रीड करें और इस पैराग्राफ में जो आपको लोगों के जगह के या चीजों के नाम दिए गए हैं ना आप उनको अंडरलाइन करिए सो वट इज द पैराग्राफ Martha and Jerry were going to school together. They turned round the corner and reached the bus stop. Timothy, the friendly dog, came to them and started licking Martha's hands. Jerry gave a biscuit from his tiffin. The dog ate it and started wagging its tail. It was a daily routine the children looked forward to before they boarded the school bus. To ab this paragraph जो भी आपको नेम्स नजर आ रहे हैं आप उन्हें अंडरलाइन करें जैसे कि अगर मैं पहला वर्ड देखूं मार्था इस तरह से आप बाकी नेम्स को अंडरलाइन करें नाउ लेट्स डू दिस राइट द वर्ड्स गिवन बिलो इन करेक्ट कॉलम तो ये तीन कॉलम्स दिए गए हैं नेम ऑफ पर्सन नेम ऑफ प्लेस नेम ऑफ थिंग अब आप क्या करेंगे कि आपको इस बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं जैसे कि बॉक्स रैट न्यू डेली पेंसिल रेन सन रोजमेरी टाई स्टार्स क्लाउड्स रोड म्यूजिक एल्बर्ट आइंस्टाइन शिप लंडन चेयर, जेरी गंगा एंटनी पाकिस्तान स्टैचू ताजमहल तो इन सारे वर्ड्स को आप नेम ऑफ पीपल या पर्सन नेम ऑफ प्लेस नेम ऑफ थिंग के कॉलम्स में लिखेंगे जैसे बॉक्स कहाँ आएगा नेम ऑफ थिंग में सो लेट्स रीड दिस नाउ नाउंस अ अ इज वर्ड दैट टेल्स दस अबाउट द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग तो जो वर्ड्स हमें किसी भी पर्सन प्लेस या थिंग का नाम बताते हैं वो क्या है नाउन सो इफ यू लुक एट दीज एग्जाम्पल्स हावडा ब्रिज इज इन कोलकाता द पी काक्स वर डांसिंग इन द रेन तो इन सेंटेंसेज में जो हमारे हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जैसे कि हावड़ा ब्रिज कोलकाटा पी काक्स ये क्या हैं ये हमारे नाउन्स हैं नाउ लेट लुक एट प्रॉपर नाउन अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग किसी खास इंसान जगह या किसी चीज़ का जो नाम है उसको कहते हैं Proper noun, for example, Dory is a forgetful fish. Next हमारा क्या example है Doraemon is liked by children. तो ये जो word है ना हमारा Dory, ये fish क्या है ये भी noun है लेकिन इस फिश का पर्टिकुलर फिश का नाम क्या है डोरी तो ये डोरी क्या हो गया ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन इसी तरह से चिल्ड्रन क्या है चिल्ड्रन कोई भी बच्चे हो सकते हैं तो ये भी नाउन है लेकिन डोरेमोन क्या है किसी एक पर्टिकुलर चीज का नाम है तो ये हमारा क्या हो गया ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन नाउ लेट अस लुक एट कॉमन नाउन अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड मतलब किसी भी एक क्लास या एक जैसी कोई भी कोई चीज हो या लोग हो उनका जो नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं कॉमन नाउन फॉर एग्जाम्पल द क्लासरूम वॉज डर्टी अब अभी क्लासरूम कोई भी हो सकता है तो ये हमारा क्या हो गया ये हमारा हो गया कॉमन नाउन द बस राइड वॉज एडवेंचरस अब ये कोई खास बस नहीं है ना कोई भी बस हो सकती है तो ये क्या है ये हमारा कॉमन नाउन है नाउ लेट अस लुक एट दी कंपाउंड नाउन अ कंपाउंड नाउन इज मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स बोथ दीज वर्ड्स आर ऑल्सो नाउन्स सो वैन कम्बाइंड टूगेदर टू फॉर्म वन वर्ड दे आर रेफर टू एस कंपाउंड नाउन् मतलब एक से ज़्यादा वर्ड्स जो कि अपने आप में नाउन हैं उनको जब हम इकट्ठा जोड़ करके एक वर्ड या नाउन बनाते हैं उन्हें हम कंपाउंड नाउन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल क्लास रूम अगर हम देखें तो ये दो वर्ड्स हैं क्लास और रूम अब क्लास भी नाउन है रूम भी नाउन है इनको जब हमने जोड़ दिया आपस में तो हमारा कंपाउंड नाउन बन गया क्लासरूम और क्या एग्जाम्पल है जैसे कि रोड मैप तो रोड और मैप नाउ टेल आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन एंड कंपाउंड नाउन इन द फॉलोइंग वर्ड्स ये जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं इनमें आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा प्रॉपर नाउन है कौन सा कॉमन नाउन है और कौन सा कंपाउंड नाउन है वर्ड्स क्या हैं हिंदूज वाटर टूथपेस्ट न्यूटन शर्ट रेलवे स्कूल महात्मा गांधी पंजाब ब्रूम स्टिक अब इसमें अगर हम वर्ड देखें हिंदूज तो ये क्या है ये प्रॉपर नाउन है इसी तरह से आप बाकी नाउन्स को आइडेंटिफाई करें राइट लेटेस्ट लुक एट दिस एक्टिविटी फिल इन द ब्लैंक्स विद कंपाउंड कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स ये जो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं इनके ब्लैंक्स में कंपाउंड कॉमन या प्रॉपर नाउन जो भी सूटेबल या अप्रोप्रिएट है उसे लिखें फॉर एग्जाम्पल डैश पॉज द एप्पल ऑफ आर आई अब यहाँ पे आप कोई एक प्रॉपर नाउन लेकर के नाम लिख सकते हैं इसी तरह से आप बाकी सारे सेंटेंसेस को भी फिल करें लेट लेटेस्ट एंजॉय मैच द वर्ड्स टू मेक कंपाउंड आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं इनको मैच करें और कंपाउंड नाउन बनाएं जैसे वर्ड्स क्या दिए गए हैं पहले कॉलम में दिया गया है आपको एप्पल कैट बेस बाथ टूथ ड्रैगन अंडर सी आई हॉर्स डाउन फुट और दूसरे कॉलम में क्या वर्ड्स दिए गए हैं शू पेस्ट स्टेयर्स बॉल ट्री लैश फिश वर्ल्ड शोर बॉल रूम तो आप क्या करेंगे आप यहां देखेंगे कि कौन सा वर्ड आप किस वर्ड के साथ मैच करके एक कंपाउंड नाउन बना सकते हैं सो आई होप चिल्ड्रन दैट दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल एंड आंसरिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन नाउन विल नाउ बी ईजी